घर वालों ने जिस छवि मुसहर को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, वह युवक पाकिस्तान की जेल में बंद है। यह खुलासा विदेश मंत्रालय की उस चिट्ठी से हुआ जिसमें छवि मुसहर के घर वालों का पता लगाने के लिए बक्सर पुलिस से सहायता मांगी गई थी। एसपी नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर मुफस्सिल थाने की पुलिस चौसा प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खिलाफतपुर गांव पहुंची और छवि मुसहर नामक युवक के घर वालों से पूछताछ की तो यह मालूम चला कि छवि मुसहर तकरीबन 12 साल पहले घर से गायब हो गया था। उसके बाद उसके घर वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया और उसका दाह संस्कार भी कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली। अब जबकि परिजनों को यह ज्ञात हुआ है कि वह जिंदा है और पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि सरकार तथा प्रशासनिक सहायता से उनका पुत्र वापस आ जाए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उनकी यह इच्छा कब पूरी हो पाती है। आइए सुनते हैं कि युवक के बड़े भाई ने क्या कहा। बोले चलो का सर, अब हम तो 12 बरस 13 बरस जोते बानी ओके सिकड़ में बनते रहनी, दू हाली खाली तो मिलियो गोल, बाकी एक खाली ना मिलल। एक खाली के बाद फिर भागल तो ओकर बाद अब मिलबे ना कर 12-13 बरस हो गए। काम क्रिया कौन कर देने जा। अच्छा, काम क्रिया भी कर देने जा, मैं दिमाग से ही रहूँगा ना। हाँ तो के आई रहा, कैसे पता चल तुम लोग? चौकीदार जी थाना पुलिस चौकीदार कहल हम। अच्छा, क्या कहल? हाँ कहल कि तुम्हारा भाई हरा था, हम कहीं कि हाँ जी, तो वह बताया है कि इधर है बॉर्डर पे जारी है। हाँ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जारी है। अच्छा, आओ मायू बड़ी। मेरे माता जी है गाँव पर है। अच्छा अच्छा, भाई रोहन तहार तसे छोट रोहन? हाँ जी छोट है। अच्छा, तीन भाई हैं जा, एगो ससुरारी भी है। अच्छा, तुम लोग इधर रहला जाना।